been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. हेलो गाइस, वेलकम टू द जी मीडिया न्यूज़। तो गाइस आज हम बात करेंगे हॉलीवुड अपडेट के बारे में, थोड़े मार्वल के बारे में, थोड़ा डीसी के बारे में। और देन उससे पहले अगर आपने मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं करा है तो आप लाइक कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे अपडेट पहले ही मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। तो सबसे पहले एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की VFX कंपनी एक्वामैन मूवी में काम कर रही है, तो देखते हैं कि इन फ्यूचर ये अंडर वाटर मूवी कैसी लगेगी। उसके बाद डेनियल की जेम्स बॉन्ड मूवी लास्ट होगी, तो काफी फैंस नाराज भी है और देन काफी फैंस दुखी भी है। उसके बाद अपकमिंग मूवी फैंटास्टिक बीस्ट 2 के बाद अब फाइनली तीसरे पार्ट पर काम चल रहा है और उसकी स्क्रिप्टिंग पर भी काम चल रहा है। और फाइनली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी डायरेक्टर की, तो सबसे पहले कंफर्म हो चुकी है ब्लैक पैंथर 2, जो कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट है डायरेक्टर की तरफ से। उसके बाद अपकमिंग बैटमैन मूवी में पेंगुइन विलेन हो सकता है। जी हाँ, तो काफी अच्छा विलेन है, देखते हैं कि इन फ्यूचर ये कैसा लगेगा बैटमैन मूवी में। उसके बाद हैशब्रो कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि वो पावर रेंजर मूवी को रिबूट करेगी, क्योंकि पहली फ्रेंचाइज काफी अच्छी नहीं थी। उसके बाद गार्डियन द गैलेक्सी के डायरेक्टर जेम्स गन वो बन चुके हैं डीसी के हेड, तो देखते हैं कि डीसी का फ्यूचर अब कैसा होगा। उसके बाद जेसन मोमोआ जो कि एक्वामैन का रोल करते हैं, वो फाइनली क्रू का रोल करने वाले हैं, तो ये रिबूट मूवी है और देखते हैं कि इन फ्यूचर कैसी होगी। उसके बाद एक कौन सा पार्ट रिलीज करा गया है जिसमें कैप्टन मार्वल मिलती है गार्डियन द गैलेक्सी से, तो ये कौन सा पार्ट काफी लोगों को पसंद भी आया है। उसके बाद एनी क्रू मेंबर ने फैसला करा कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में उन्हें फाइनली थैनोस को 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स यूज करने हैं चौथे पार्ट में। उसके बाद अपकमिंग 007 का जो ऑफिशियली नेम है वो है बॉन्ड 25, तो आप लोगों को ये नेम कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद क्रिस हेम्सवर्थ की एक पिक रिलीज करी गई थी, तो इस पिक में जितने भी ज्यादा कमेंट थे वो आधे से ज्यादा लड़कियों के थे, क्योंकि ये लड़कियों में काफी पॉपुलर है। अपकमिंग मूवी डीसी सुपर विलेन, इसका ट्रेलर आपको 1 वीक के अंदर मिल जाएगा, जो कि काफी कमाल की मूवी है। देन अब बात चल रही है वेनम के सिम्बियोट की वॉइस के बारे में, तो सिम्बियोट की जो वॉइस दे रहे हैं वो ऑफिशियली टॉम हार्डी है, जो कि एक टेक्नोलॉजी से चेंज कर दी गई है। एक्समैन द डार्क फोनिक्स मूवी में हमारी क्विक सिल्वर की लाइट ट्यून चेंज कर दी जाएगी, जो पहले ब्लू थी, बट अब उसे और कोई कलर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एनी टोटल फिल्म मैगजीन ने एक लुक लॉन्च करा है हमारे टॉम क्रूज का, जो कि अपकमिंग मिशन इम्पॉसिबल मूवी है। देन निक कर सकते हैं पेंगुइन का रोल बैटमैन मूवी में, क्योंकि वो उनके जैसे हुआ हुआ दिखते हैं। देन यहाँ पर अब बात चल रही है अवतार 2 की, जो कि यानी 3D में एक नया लुक आपको दिखाएगी, तो देखते हैं कि अवतार 2 कितना कमा पाएगी इन फ्यूचर। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डायरेक्टरों की मीटिंग हुई है, बट अभी फाइनली ब्लैक पैंथर कंफर्म हुई है और उसके बाद गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 भी कंफर्म हो चुकी है। थंडरबोल्ट्स जो कि मार्वल की एक बहुत ही अच्छी मूवी होने वाली है, पर इन फ्यूचर इसके ऊपर भी बात चल रही है। देन अपकमिंग एक्वामैन मूवी, तो फाइनली इसका VFX वर्क पर काफी जोर से काम चल रहा है, तो देखते हैं कि ये अंडर वाटर लोगों को कैसी लगती है। देन उसके बाद जेसन मोमोआ फाइनली कंफर्म हो चुके हैं डेनवर कॉमिक कॉन में, जो कि अपना पहला ट्रेलर मई पे लॉन्च करेंगे। और देन उसके बाद टॉम क्रूज का एक फाइनली खतरनाक पोस्टर लॉन्च हुआ है, जो कि एक ऑफिशियली पोस्टर है, जो कि थिएटर पोस्टर भी है, तो आपको कैसा लगा बताइएगा। देन गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के डायरेक्टर जेम्स गन फाइनली जब मीटिंग में गए थे, तो उन्होंने फर्स्ट लुक पहले ही लॉन्च कर दिया था कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। देन उसके बाद एनी स्पाइडरमैन होमकमिंग 2 का पहला ऑफिशियली आर्ट वर्क लॉन्च हुआ है, जो कि एक फैन मेड है, बट इससे पता चल जाता है कि ये मूवी कैसी होने वाली है। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन्स का ट्रेलर आपको इस वीक के अंदर मिल जाएगा। देन उसके बाद जस्टिस लीग का दोबारा से रीमेड एक पोस्टर लॉन्च करा गया है, और उन्होंने इस पोस्टर में बोला कि ये पोस्टर ऐसा अच्छा लग रहा था ना कि पहले। देन उसके बाद एक इनक्रेडिबल का पोस्टर लॉन्च करा गया है, जिसमें पूरी फैमिली को दिखाया गया है, तो ये पोस्टर आज ही लॉन्च करा गया है, जो कि काफी कमाल का लग रहा है। देन उसके बाद एंड मैन द वास मूवी का एक पोस्टर लॉन्च करा गया है, जो कि काफी कमाल का लग रहा है, और देन इसमें इन दोनों को काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। उसके बाद जोरेसिक वर्ल्ड का पोस्टर लॉन्च करा गया, जो कि ऑफिशियल है और ये थिएटर पोस्टर भी है, तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद फैन मेड एक और सजाम का पोस्टर लॉन्च करा गया, और इस पर काफी मजाक भी बनाया जा रहा है, क्योंकि लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है, पर देखते हैं लोगों को और कैसा लगेगा। उसके बाद टॉप गन का सेकंड फर्स्ट डे लॉन्च हो चुका है, यानी कि उसकी शूटिंग चालू हो चुकी, जो कि टॉम क्रूज ने ऑफिशियली अनाउंस करा है। देन थैनोस ने जब पूरे एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की पूरी टीम को खत्म कर दिया था, तो उन्होंने सेलिब्रेट करा था माइकल जैक्सन के पोज में, तो ये पोस्टर ऑफिशियली लॉन्च करा गया था। सुपरमैन को 80 साल हो चुके हैं, तो उसकी एनिवर्सरी पर एक पोस्टर लॉन्च करा गया, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। देन उसके बाद जैक्सन एडर ने पहली फोटो लॉन्च करी है, जिसमें कि वो फोटो शूट करते नजर आ रही है सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन के साथ। देन उसके बाद एक बिहाइंड द सीन फ्लैश का, जो कि जस्टिस लीग का था, जो कि जैक स्नाइडर ने खुद शूट करा था, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, और देन बीच में कुछ बात हो गई और उनकी शायद बेटी भी खत्म हो गई थी, तो इस चक्कर में उन्होंने मूवी छोड़ दिया, बट ये सारे सीन हमें देखने को मिल रहे हैं आज। देन उसके बाद शुरू रोती हुई नजर आई है, और देन इस कौन सा पार्ट से ये पता चलता है कि आधे से ज्यादा लोग मर चुके हैं और सिर्फ शुरू ओकोई ये सब जिंदा बचे हैं।
देन उसके बाद यानी 10 ईयर्स का एक पोस्टर लॉन्च करा गया मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ से जो काफी अच्छा लग रहा है। देन उसके बाद लास्ट मूवी जी हाँ डिज्नी की मैनफ्लिक, इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है शूटिंग के लिए और देन इसके कुछ सीन शूट करे गए हैं और देन इसकी बिहाइंड द सीन भी लॉन्च करे गए हैं और एक कुछ पीक भी रिलीज करी गई है जो कि आप अपने ऑन स्क्रीन पर देख रहे हो। तो काफी अच्छा और इस मूवी का मैं काफी अच्छा फैन भी हूँ और ये डिज्नी की मुझे सबसे बढ़िया मूवी भी लगती है। तो आपको कैसा लगा गाइस, ये सारे अपडेट जान के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर केबल के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।